नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल और आप देख रहे हैं चरखी दादरी ब्लॉग। आज आप पीछे देख रहे होगी ये हमारी शहर की नई सब्जी मंडी है। आप देख सकते हो यहाँ पर हर एक प्रकार की जो सब्जियाँ हैं यहाँ पर आती हैं, पूरा लोट का लोट सब्जियों का आता है जो यहाँ से उठकर हमारी जो शहर की पुरानी सब्जी मंडी है वहाँ पर मजदूर लेकर जाते हैं और वहाँ पर अलग अलग जैसे बराबर बराबर करके पार्टिसिपेट अलग अलग जैसे कोई क्या रखता है कोई क्या रखता है इस टाइप से सब्जियाँ वगैरह बेची जाती हैं वहाँ पर। और आज हम बता दें कि आज हम आपके शहर चरखी दादरी ब्लॉक के नई सब्जी मंडी में हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल थोड़ा आगे आगे दिखाओ इनको और आप देख सकते हो जैसे उस साइड जैसे लाइन वाइज एक कतार के अंदर दुकानें हैं। आप देख सकते हो दुकानें पे जैसे नाम लिखा हुआ है नीचे 30 नंबर दुकान 31 नंबर दुकान। थोड़ा जूमिंग करके दिखाओ अच्छी तरह और थोड़ा सा और आगे आओ आप। इसमें तकरीबन दुकान आपको बता दे कि इसके अंदर दुकानें हैं कम से कम 70 से 80 दुकानें हैं इसके अंदर एक ही कतार के अंदर। कोई एक मंजिला है तो कोई दो मंजिला है तो कोई तीन मंजिला है। ये दुकानें नहीं हैं, हम इनको दुकान नहीं कह सकते दोस्तों। ये जैसे सब्जियों के लिए, केलों के लिए, मौसमी के लिए जो जैसे फल गर्मियों के हिसाब से आते हैं ये गोडाउन के रूप में इनको रखा जाता है। उनके अंदर सब्जियां रख के अगर केले हैं तो केले के ऊपर बर्फ रखा जाता है और उसको बाद में पकाया जाता है तो उसके लिए एक स्थान एकत्रित किया गया है वो आप देख सकते हो। ये है दुकानों के हिसाब से। और इधर आप देख सकते हो नई प्याऊ है इधर। और एक ये बड़ा सा है टैनुमा, एक छतरी है। जैसे कोई किसान यहाँ पर सब्जी लेकर आता है जो मजदूर उनको सब्जियों को बेचता है वहाँ रखकर अपनी सब्जियों को बेच सकता है। और यहाँ जैसे बारिश के कारण थोड़ा सा आप जैसे देख रहे हो बहुत कम भीड़ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे सीज़न वाइज जैसे किसी के प्रोग्राम है शादियों का टाइम चला हुआ होता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आप देख सकते हो पूरा इनको व्यू दिखाओ घुमाकर।